सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल असन में। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत हमारे एक और नई वीडियो में। सो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप के आप लोग अच्छे ही होंगे एंड गाइस अच्छे ही रहना चाहिए। गाइस, जैसे कि आप सबने देखा थंबनेल में एंड टाइटल में कि आज का ये वीडियो हम किस टॉपिक पे लेके आए, क्योंकि गाइस आज के इस वीडियो में आपको जो ट्रिक बताने वाले हैं वो ट्रिक बहुत ज्यादा जेन्युइन ट्रिक है एंड 101% वर्किंग ट्रिक है। सो गाइस, आपको ये वीडियो पूरी एंड तक जरूर देखना। अगर आप पूरी वीडियो को वॉच करते हो जरूर समझ में आने वाला एंड आपको जरा से भी वीडियो को स्किप नहीं मारना एंड गाइस इस वीडियो में जो भी ट्रिक बता रहे हैं आपको हर एक ट्रिक को फॉलो करना है। सो गाइस, आप अपना फेसबुक हैक अकाउंट को एकदम इजीली रिकवर कर सकते हो एंड वापस ला सकते हो। सो चलिए गाइस, आपको बताते हैं किस तरीके से अपना हैक फेसबुक अकाउंट को रिकवर करना है एंड आपको हर एक ट्रिक को फॉलो करना है। अगर आप एक भी ट्रिक को अनफॉलो करते हो तो आपका फेसबुक हैक अकाउंट है रिकवर नहीं हो पाएगा। उससे पहले गाइस एक बार बता दें, अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है सो गाइस वीडियो को जरूर लाइक करें, ताकि आप लोग अगर वीडियो को लाइक करते हो तो हमारा कॉन्फिडेंस और बढ़ता है, हम इससे भी बेहतर वीडियो आप लोगों के लिए लाने की कोशिश करते हैं। हाँ गाइस, एक बार और बता दें, अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, नीचे आपको रेड कलर का ऑप्शन मिल जाएगा सब्सक्राइब का। सो गाइस, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन में जरूर प्रेस कर लेना ऑल पे, ताकि इस तरीके से आने वाली वीडियो का आप लोगों को नोटिफिकेशन जरूर मिले। सो गाइस, चलिए आपको बताते हैं किस तरीके से अपना हैक फेसबुक अकाउंट को रिकवर कर सकते हो एकदम इजीली एंड वापस ला सकते हो। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, आप लोगों को अपना हैक फेसबुक अकाउंट को रिकवर करने के लिए क्या करना पड़ता है? सो आपको काफी सारी वेबसाइट है यहाँ पे बताएंगे, जो कि 3 से 4 वेबसाइट है एंड उस वेबसाइट के थ्रू आप अपना हैक फेसबुक अकाउंट को रिकवर कर सकते हो। सो चलिए आपको बताते हैं किस तरीके से आप अपना हैक फेसबुक अकाउंट को रिकवर करना है। सो यहाँ पे देख सकते हो, कि चलते हैं पहले फेसबुक में एंड यहाँ पे देख सकते हो कि ये हमारा पर्सनली फेसबुक अकाउंट है एंड यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे पास फॉलोअर्स भी काफी सारे हैं एंड जो कि गाइस काफी अच्छा यहाँ पे हमारा पास फेसबुक अकाउंट है एंड तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे देख सकते हो जो कि सर्च बार पे गए एंड यहाँ पे हम टाइप करते हैं जो कि जिस अकाउंट को हमें रिकवर करना है। सो यहाँ पे देख सकते हो गाइस, यहाँ पे ये अकाउंट जो कि फ्री फायर का ये बंदा है एंड इस बंदे का फेसबुक हैक अकाउंट एकदम हैक हो चुका, जो कि हैकर ने जो कि आईडी चेंज कर दिया है एंड जो कि हर एक चीज चेंज कर दिया, नंबर चेंज किया है, ईमेल चेंज कर दिया, हर एक चीज चेंज कर दिया है। चूंकि गाइस अगर आपके पास जो जो हम बताएंगे अगर वो चीज़ अगर आपके पास है तो आपका हैक फेसबुक अकाउंट रिकवर होगा एंड वेबसाइट के थ्रू रिकवर होगा। सो चलिए आपको बताते हैं किस तरीके से आपको क्या करना है। यहाँ पे देख सकते हो, कोई सा भी एक ब्राउजर में आपको चले जाना है। अगर आपके पास कोई सा भी ब्राउजर हो, क्रोम ब्राउजर या इजिली कोई सा भी एक ब्राउजर हो, तो आपको उस ब्राउजर को ओपन कर लेना है। देन यहाँ पे देख सकते हो, हम यहाँ पे ब्राउजर को ओपन कर लिए हैं एंड ओपन करने के बाद गाइस आपके एक वेबसाइट बताएंगे, जो वेबसाइट आपको ये स्क्रीन पे शो हो रही है इस वेबसाइट को आपको यहाँ पे सर्च करना है। यहाँ पे देख सकते हो जो कि हम यहाँ पे सर्च बार पे चलते हैं एंड यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं। सो गाइस यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हम टाइप कर दिए फाइंड माई FB ID एंड फाइंडिंग माई फेसबुक ID। सो यहाँ पे देख सकते हो जो कि गाइस कुछ इस तरीके से आप जैसे सर्च करते हो सो यहाँ पे फर्स्ट पे एक वेबसाइट मिल जाएगी, जो कि गाइस आपको इस वेबसाइट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे देख सकते हो जो कि हम इस वेबसाइट पे क्लिक कर दिया एंड हम आ चुके हैं एकदम मेन पेज पे एंड यहाँ पे देख सकते हो गाइस यहाँ पे आपको क्या करना है। सीधा हम चलते हैं फेसबुक में। पहले फेसबुक में जाने के बाद गाइस यहाँ पे हम आपको क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हो जो कि 3 डॉट पे क्लिक कर देना है एंड 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद गाइस आपको क्या करना है, कॉपी लिंक कर लेना है। यहाँ पे देखो इसका URL कॉपी कर लेना है एंड वापस जाना है फिर से ब्राउजर में एंड यहाँ पे वही लिंक को आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। देख सकते हैं यहाँ पे हम पेस्ट कर दिए हैं एंड पेस्ट करने के बाद यहाँ पे फाइंड फेसबुक आईडी पे क्लिक कर देते हैं। देन जैसे यहाँ पे आप सर्च करते हो कुछ इस तरीके से लोडिंग लेके आपके पास एक और इंटरफेस आएगा, थोड़ा सा यहाँ पे देख सकते हो जो कि हमारे पास ये लोडिंग ले रहा है एंड यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करते हैं देख सकते हो जो कि गाइस यहाँ पे हमारे पास चुकी सक्सेस यहाँ पे दिख चुका है। यहाँ पे प्लीज यहाँ पे देख सकते हो जो कि गाइस ये हमारे पास आईडी आ चुकी है, फेसबुक आईडी जो कि ये बंदे का फेसबुक आईडी हमारे पास आ चुकी है। इस फेसबुक आईडी को हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं एकदम इजीली कॉपी करके। अब वापस एक आपको एक और वेबसाइट बता रहे हैं, जो कि आपको क्या करना है, एक न्यू टैब को ओपन करना है एंड न्यू टैब को ओपन करने के बाद गाइस यहाँ पे आपको टाइप कर देना है डाउनलोडिंग एंड एक्सेसिंग फेसबुक अकाउंट। सो यहाँ पे जैसे कुछ इस तरीके से एक वेबसाइट और आपके पास ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपको क्या सर्च करना है, आपको ये चीज स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, सिंपली गाइस आपको इस पर क्लिक कर देना है एंड इस पर क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे हम इंग्लिश पे लगा देते हैं एंड इंग्लिश पे लगाने के बाद गाइस देख सकते हैं यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली गाइस आपको क्लिक कर देना है फिक्स अकाउंट एक्सेसिंग इशू। सिंपली गाइस आपको इस पर पहले टिक करना है, देखते हैं हमारे पास क्या ऑप्शन आता है। सो यहाँ पे देख सकते हैं जो कि फर्स्ट यहाँ पे आपको फर्स्ट पे सेकंड नंबर वाले पे आपको टिक कर देना है। यहाँ पे देख सकते हो इस पर टिक कर दिया है एंड टिक करने के बाद गाइस यहाँ पे हमारे पास चूँकि काफ़ी सारे ऑप्शन आ चुके हैं, यहाँ पे देख सकते हो नीचे में काफ़ी सारे ऑप्शन आ चुके हैं। यहाँ पे लिखा है फर्स्ट में माई अकाउंट हैज़ बिन हैक्ड एंड उसके बाद यहाँ पे फिर से लिखा है माई अकाउंट हैज़ बिन क्लोज्ड एंड कैंट लॉग इन टू माई अकाउंट हैज़ बिन एक्टिवेटेड। सो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे हमें जो कि पहले सर्च करना है अकाउंट को फिर रिकवर करना है। सो यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे इस पर क्लिक कर देना है कैंट
लॉग इन टू माई अकाउंट। सिंपली गाइस इस पर हम टिक कर देते हैं। इस पर टिक करने के बाद गाइस यहाँ पे देख सकते हो एक और ऑप्शन आ जाएगा आपके पास हेल्प सेंटर का। सिंपली आप लोगों को हेल्प सेंटर पे क्लिक कर देना है। हेल्प सेंटर पे क्लिक करते ही आपके पास कुछ इस तरीके से एक और इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा। सो यहाँ पे एक और इंटरफेस ओपन होने के बाद गाइस आपको क्या करना है, यहाँ पे फर्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है कैंट इन टू फेसबुक, कैंट इन टू फेसबुक पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करते हो सो यहाँ पे गाइस आपके पास एक ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे देख सकते हो facebook.com login identify। सिंपली आपको इस वेबसाइट पे क्लिक कर देना। काफ़ी सारे यहाँ पे वेबसाइट आती रहती है आपके पास, जो कि हम जो यहाँ पे आपको बता रहे हैं आपको फॉलो करना है वाइट्रिक को। सिंपली आपको इस पर क्लिक कर गाइस जैसे आप उस वेबसाइट पे क्लिक करते हैं कुछ इस तरीके से आप लोगों के पास इंटरफेस आ जाएगा। सो गाइस आपको क्या करना, वही नंबर को आपके यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर देना है। यहाँ पे देख सकते हो पेस्ट कर दिया एंड यहाँ पे हम सर्च पे क्लिक कर देते हैं। सो सर्च करने के बाद यहाँ पे हमारे पास जो कि अभी ये सर्च नहीं हो रहा है, यहाँ पे हम सिंपली क्लिक कर देते हैं सर्च बाय ईमेल पे क्लिक कर देते हैं एंड यहाँ पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे हम नेम सर्च कर देते हैं गाइस, यहाँ पे सिंपली हम नेम सर्च कर देते हैं, देख सकते हो यहाँ पे हम नेम सर्च कर देते हैं एक बार फिर से सिंपली गाइस। एंड नेम सर्च करने के बाद यहाँ पे सिंपली सर्च पे क्लिक हो गए, जैसे वहाँ पे हम एक नेम सर्च कर दिए एंड देख सकते हो जो कि उस अकाउंट के यहाँ पे हम नेम सर्च कर दिए। नेम सर्च करने के बाद गाइस यहाँ पे हम इस पर क्लिक कर देते हैं सिंपली एंड इस पर क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे देख सकते हो गाइस यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है कंटिन्यू पे। देख सकते हो यहाँ पे आपको सिंपली गाइस इस पर क्लिक कर देना है यस कंटिन्यू पे। एंड गाइस यहाँ पे हम जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं एंड यहाँ पे जो कि ये ईमेल ऐड कर दिया हैकर ने एंड ये नंबर भी ऐड कर दिया, जो कि गाइस अगर हम इस पर क्लिक करते हैं जो कि ओटीपी हैकर के पास जाएगा। सो गाइस आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना सिंपली गाइस, यहाँ पे देख सकते हो कैंट एक्सेसिंग थीम नाउ, सिंपली गाइस इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे कुछ इस तरीके से आप लोगों के पास एक इंटरफेस फिर से ओपन होकर आ जाएगा। सिंपली गाइस आपको क्लिक कर देना है आई कांट एक्सेसिंग माई ईमेल, सिंपली गाइस आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते ही आपके पास एक ऑप्शन फिर से खुल के आ जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पे। सिंपली गाइस आपको क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हो जो कि लिखा है गाइस, यहाँ पे आपको facebook.com login identify पे क्लिक कर देना है। सिंपली गाइस हम इस पर क्लिक कर देते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद गाइस आपको यहाँ पे फिर से अपना नेम सर्च कर देना है, देख सकते हैं यहाँ पे हम फिर से एक बार अपना नेम सर्च कर देते हैं वही फेसबुक का नेम, क्योंकि गाइस यहाँ पे हम एक बार फिर से सर्च करते हैं। सर्च करने के बाद गाइस यहाँ पे देखते हैं हमारे पास आगे का ऑप्शन क्या आता है एक बार एंड देख सकते हैं जो कि हमारे पास ये अकाउंट फिर से ऊपर में आ चुका है। सो यहाँ पे फिर से एक बार हम क्लिक कर देते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं जो कि गाइस यहाँ पे हम एक बार फिर से क्लिक कर देते हैं कैंट एक्सेसिंग थीम नाउ पे, सिंपली गाइस आपको इस पर क्लिक कर देना है फिर से अगैन एंड इस पर क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पर देख सकते हो जो कि गाइस जब आप 3 से 4 बार ट्राई कर लेते हो तो फेसबुक वालों को ये लगेगा कि आपका ये अकाउंट है, जो कि अगर आपका ये अकाउंट रहेगा तो जो कि फेसबुक आपके पास ईमेल भेज देगा एंड ईमेल पर क्लिक करने के बाद आप रिसेट पासवर्ड करके अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हो एंड अपना फेसबुक पे लॉगिन हो सकते हो एंड वहाँ पे जाके डायरेक्ट नंबर चेंज कर देना, ईमेल चेंज कर देना। सो यहाँ पे देख सकते हो जो है यहाँ पे हम सिंपली क्लिक कर देते हैं फिर से एक बार आई कांट एक्सेसिंग माई ईमेल, सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद गाइस आपको क्या करना है, फिर से आपको सिंपली क्लिक कर देना है फेसबुक कंफर्माइजर्स पे। सिंपली गाइस आपको जाना है, आपको फिर से एक न्यू टैब को ओपन करना है एंड न्यू टैब को ओपन करने के बाद गाइस यहाँ पे आपको टैग कर देना है फेसबुक कंप्रोमाइजेस, यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं सिंपली गाइस। जैसे यहाँ पे आप सर्च कर देते हैं फेसबुक कंप्रोमाइज, सिंपली आपको एक हमने यहाँ पे एक वेबसाइट आ जाएगी। सिंपली गाइस आपको यहाँ पे इस वेबसाइट पे क्लिक कर देना है, यहाँ पे देख सकते हो जो कि यहाँ पे लिखा है facebook.com हैक्ड, यहाँ पे देख सकते हो जो कि इस तरीके से कुछ एक वेबसाइट आ जाएगी। सिंपली आपको फर्स्ट वेबसाइट पे क्लिक कर देना है सिंपली एंड फर्स्ट वेबसाइट पे क्लिक करने के बाद गाइस आपको क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हो जो कि एक आपके पास ऑप्शन आ जाएगा माई अकाउंट हैज़ बिन कंप्रोमाइज्ड, सिंपली गाइस आपको इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे हम इस पर क्लिक कर देते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे देख सकते हो जो कि आपके पास एक ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे गाइस आपको क्या करना है, सिंपली गाइस यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है लॉगिन इन अदर अकाउंट पे सिंपली एंड इस पर क्लिक करने के बाद गाइस आपको क्या करना है, यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं जो गाइस वहाँ पे आपने नंबर कॉपी किया था सिंपली गाइस यहाँ पे आपको वही नंबर डाल देना है एंड यहाँ पे नंबर डालने के बाद गाइस आपको बैक जाना है एंड यहाँ पे आपके पास ओल्ड पासवर्ड जो भी होगा ओल्ड पासवर्ड डाल देना है। यहाँ पे हम सिंपली ओल्ड पासवर्ड को डाल देते हैं, ओल्ड पासवर्ड को क्रिएट कर लेते हैं गाइस। सिंपली गाइस यहाँ पे हम ओल्ड पासवर्ड को क्रिएट कर लिए एंड यहाँ पे हम लॉगिन पे क्लिक कर देते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे हम लॉगिन पे क्लिक कर दिए ओल्ड पासवर्ड डालने के बाद गाइस देखते हैं हमारे पास आगे का ऑप्शन क्या आता है। सो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग जो कि हमारे पास ये अकाउंट बता दिया है जो कि यही अकाउंट है एंड यहाँ पे हम कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं एंड जो कि यहाँ पे देख सकते हो जो कि इस नंबर पे OTP जा रहा है गाइस अभी एंड यहाँ पे हम सिंपली गाइस यहाँ पे क्लिक कर देते हैं यहाँ पे लॉग इन। सो गाइस यहाँ पे देख सकते हो जो कि यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ चुके हैं, यहाँ पे हम पासवर्ड डाल के अपना फेसबुक आईडी को लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पे हम ओल्ड पासवर्ड को डालते हैं सिंपली
गाइस यहाँ पे हम जो कि ओल्ड पासवर्ड को डाल दिया है, एंड ओल्ड पासवर्ड को डालने के बाद गाइस यहाँ पे हम लॉगिन पे क्लिक कर देते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे हम लॉगिन पे क्लिक कर दिए ओल्ड पासवर्ड डालने के बाद। सो यहाँ पे जो कि गाइस हमारे पास जो कि ये गलत ओल्ड पासवर्ड को डालते हैं। सो गाइस जैसे वहाँ पे हम एक जो कि ओल्ड पासवर्ड को डाल रहे हैं, जैसे गाइस वहाँ पे हम ओल्ड पासवर्ड को डाल के वहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर दिए हैं, एंड यहाँ पे हमारे पास जो कि एक न्यू पासवर्ड का ऑप्शन आ चुका है। देख सकते हो यहाँ पे ऑप्शन आ चुका है हमारे पास क्रिएट ए न्यू पासवर्ड। सो यहाँ पे हम अगर न्यू पासवर्ड को बनाते हैं एंड यहाँ पे गो टू ऐड पे क्लिक करते हैं, जो कि हमारे पास ये अकाउंट लॉगिन हो जाएगा एंड यहाँ पे हैक फेसबुक अकाउंट एकदम इजिली रिकवर हो रहा है। जैसे वहाँ पे हम ओल्ड पासवर्ड को डाले थे गाइस, वहाँ पे हम 3-4 बार ट्राई किए, उसके बाद वहाँ पे हम ओल्ड पासवर्ड को डाल दिए थे, 3-4 बार ओल्ड पासवर्ड डाले एंड जैसे लॉगिन पे क्लिक किए बार बार, एंड हमारे पास एक न्यू ऑप्शन खुल के आ चुका है। देख सकते हो यहाँ पे एक यहाँ पे गाइस बता दिया हमें जो कि न्यू पासवर्ड को क्रिएट करो। यहाँ पे हम न्यू पासवर्ड को क्रिएट कर लेते हैं सिंपली, कुछ भी न्यू पासवर्ड डाल देते हैं यहाँ पे सिंपली गाइस। देख सकते हैं यहाँ पे हम न्यू पासवर्ड डाल दिए हैं सिंपली गाइस। यहाँ पे न्यू पासवर्ड डालने के बाद गो टू ऐड पे क्लिक कर देते हैं सिंपली गाइस। यहाँ पे देख सकते हो कि गाइस हमारे पास ये हैक फेसबुक अकाउंट रिकवर हो रहा है। सो यहाँ पे देख सकते हो कि गाइस हमारे पास जो कि कुछ ऑप्शन आ चुका है, एंड यहाँ पे हम जो कि फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद सो यहाँ पे फाइनली हमारे पास देख सकते हैं जो कि वही अकाउंट एंड हमारे पास जो कि ये सिक्योर अकाउंट हो रहा है। गेट स्टार्टस पे हम क्लिक कर देते हैं, एंड सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो कि गाइस हमारे पास ये अकाउंट सिक्योर हो रहा है, एंड हैक फेसबुक अकाउंट आप लोगों के सामने लाइव प्रूफ रिकवर हो रहा है। गाइस अगर आपका फेसबुक हैक अकाउंट रिकवर नहीं हो पा रहा तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा। सो चलिए यहाँ पे हम आपको यूजर नेम भी दिखा देते हैं, जब तक ये एक्सेसिंग हो रहा है यहाँ पे सिक्योर हो रहा है। सो गाइस जो कि यहाँ पे हमारे ये इंस्टाग्राम अकाउंट है, एंड यहाँ पे आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा। सो जाइए फटाफट से हमें फॉलो कर लेना, एंड वहाँ पे अगर आपका फेसबुक हैक अकाउंट रिकवर नहीं हो पा रहा सो गाइस वहाँ पे आपका जो कि हैक अकाउंट भी रिकवर हो जाएगा। वहाँ पे गाइस आपका फेसबुक लॉक्ड अकाउंट भी एकदम इजिली अनलॉक्ड हो जाएगा। सो जाइए फटाफट से हमें इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना गाइस। अगर आप फॉलो करते हो वहाँ पे मैसेज करते हो आपको भी कुछ पैड लगेगा, एंड वहाँ पे पैड वर्क होता है, आपका भी कुछ अकाउंट एकदम इजिली ओपन हो जाएगा, फुल ट्रस्टेड है। सो गाइस यहाँ पे हम चलते सीधा देखते हैं पास ये सिक्योर हो चुका है, एंड यहां पे हम सिंपली गाइस कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं हमारे पास देखते हैं आगे का ऑप्शन क्या आता है, एंड यहां पे फिर से हमारे पास एक ऑप्शन आ चुका है। यहां पे न्यू पासवर्ड को फिर से हम यहां पे क्रिएट कर लेते हैं एक बार फिर से आगे। सो यहाँ पे हम पासवर्ड को क्रिएट कर लिया एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया। कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं हमारे पास देखते हैं ऑप्शन आता है या नहीं। सिंपली गाइस यहां पे हम कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं बार बार, एंड यहां पे गाइस कंटिन्यू पे फिर से क्लिक करते हैं एक बार, एंड गाइस यहां पे हम फिर से एक बार क्लिक कर देते हैं गो टू न्यू फीडबैक पे। सो गाइस यहाँ पे हम एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या ऑप्शन आ रहा है आगे का। सो यहाँ पे हम रिफ्रेश कर लिए, रिफ्रेश करने के बाद गाइस यहाँ पे हम फिर से जाते हैं एक बार बैक, एंड बैक जाने के बाद गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि हमारे पास ये फाइनली हैक फेसबुक अकाउंट रिकवर हो चुका है एकदम 100%। यहाँ पे हम प्रोफाइल पे चलते हैं गाइस, सिंपली प्रोफाइल पे क्लिक कर दिए हैं। यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे हम प्रोफाइल पे क्लिक कर दिए, एंड गाइस जो कि वही फेसबुक अकाउंट है, एंड गाइस जो कि सब कुछ वही है, देख सकते हो यहाँ पे सब कुछ वही, एंड हमारे पास ये हैक फेसबुक अकाउंट रिकवर हो चुका है। सो गाइस ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो कमेंट करके जरूर बताना, एंड गाइस अगर चैनल पर पहली बार विजिट किया चैनल जो सब्सक्राइब करके जाना। सो गाइस चलिए मिलते हैं इसी तरह से वीडियो लेकर नेक्स्ट वीडियो तक, बाय बाय।